किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर शुक्रवार को गोलघर स्थित एक होटल में उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस पूर्वी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अखिलेश शुक्ल ने प्रेस वार्ता के माध्यम से बताया कि किसानों के साथ लगातार धोखा हो रहा है। प्रेस वार्ता में प्रदेश कांग्रेस कमेटी जोन 5 के प्रवक्ता तौकीर आलम, किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष उमाशंकर उपाध्याय, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कोऑर्डिनेटर महेंद्रनाथ मिश्रा, गणेश मिश्रा, मृत्युंजय पांडे, पूर्व अपर जिला जज जगदीश पासी, जयप्रकाश चतुर्वेदी, प्रांजल सिंह, राजेश तिवारी सहित अन्य कांग्रेसी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस पूर्वी जोन के अध्यक्ष अखिलेश शुक्ल ने कहा, कभी भी किसानों का साथ नहीं दिया इन्होंने। अगर साथ दिया होता तो इतने सारे अन्याय किसानों पे नहीं हो रहे होते। आज जो वो झुंझुना देने के लिए तैयार होकर के आ रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी से वो भय खा करके डरे हुए हैं। उनका पूरी नींव हिली हुई है क्योंकि किसान आज का, हमारे देश का किसान, वो राहुल जी की नीतियों के साथ चलने को तैयार बैठा हुआ है। और ये हम लोगों ने अभी हाल फिलहाल में कई जगह महसूस किया है। मैं पूरा पूर्वांचल अभी घूमा हूँ, मुझे समर्थन हर जगह मिला है और इस चीज़ का मैं बहुत साधुवाद करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने सभी किसान भाइयों का जो उन लोगों ने हम लोगों का मनोबल बढ़ाया है। मेरे को एक काम दिया है पार्टी ने, मेरे नेतृत्व ने मुझे एक ही काम दिया है कि मुझे किसानों की लड़ाई लड़नी है, मुझे चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। मैं दिन रात जग करके चल करके सिर्फ अपने किसान भाइयों की गांव गांव तक मदद करना चाहता हूं, उनकी लड़ाई लड़ना चाहता हूं, जो जायज़ है मैं उनका साथ देना चाहता हूं और अपने संगठन को मैं मजबूत करने के लिए यहां भेजा गया हूं और वही काम मैं करता हूं। चुनाव से मेरा कोई लेना देना नहीं है। यदि पार्टी कुछ डिसीजन ऐसा लेती है वो एक अलग मसला है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में मेरा संगठन, मेरी पार्टी, मेरे किसान, बस यही मेरा उद्देश्य है।